फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, अक्रूड इनकम को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ट्रायल बैलेंस जो कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं तलपट, दिया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 5,000। ठीक है, इसके साथ ही क्या बोला गया है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि इंटरेस्ट जो है पूरा साल भर का कितना मिलता है आपको 12%। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में कि जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 मिल चुका है, लेकिन 12% क्या है हमारा दिया गया है 1 साल का मिलेगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कि टोटल इंटरेस्ट जो मेरा आता है 1 साल का 1 लाख जो हमारे इन्वेस्ट किए हैं उस पर कितना आया 12% के हिसाब से 12,000। तो 12,000 जो हमारा आया है, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है, लेकिन रिकॉर्ड तो कितना हुआ 5,000, मतलब एंट्री बस किसका पास किया गया 5,000। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि और कितना मिलना है हमको, लेकिन मिला नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, वही कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं अक्रूड इनकम का। तो अक्रूड इंटरेस्ट हम लोग देखिए कितना है 12,000 तो हम लोग का होना चाहिए, लेकिन जो हम लोग रिकॉर्ड कितना किए हैं 5,000, तो हम लोग को और कितना मिलना है 7,000, मतलब वो मिला नहीं है इसलिए हम लोग रिकॉर्ड उसका एंट्री नहीं किए, 5,000 है तो 7,000 और मिलना है, इसको क्या बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्लियर हो गया, तो हम लोग जानते हैं जो मिला नहीं हमको लेकिन मिलेगा, हमको फायदा जब भी जिसका भी हमको मिलने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेट है। और क्योंकि ये मेरा इसी साल का इनकम है तो इनकम भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको। क्लियर हो गया, तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे कौन सा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा एसेट है ना, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या अक्रूड इनकम, और मेरा एसेट इसलिए इसको क्या करना, हमको जानते हैं एसेट को क्या करना होता है डेबिट। क्लियर हो गया, क्योंकि इसका फायदा हमको मिलेगा, हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो एसेट हो गया हमारा, और एसेट हमको कहाँ जाता है बैलेंस शीट पे। अब हम लोग देखते हैं ये तो भी डेबिट के, क्रेडिट पे क्या होगा, इनकम मिला मेरा और इनकम क्या होता है क्रेडिट, 7,000 मिलने वाला है हमको, तो टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इस साल का है तो इसी साल में ही रिकॉर्ड करना है, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे ना मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि जो खर्चे हैं और उनको इनकम मिलाया जाता है ना, उन खर्चों के लिए जो मेरा मतलब इनकम और एक्सपेंस को क्या मिलाया जाता है, तो ये तो इसी साल का इनकम है, इस साल का इनकम है, अगर हम अगले साल रिकॉर्ड करेंगे तो इस साल का सही पिक्चर आ पाएगा नहीं, तो इसीलिए जो मेरा इस साल का इनकम है इसी साल हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर उसके लिए हो जाता है ना, अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग रिकॉर्ड किए तो क्या एंट्री किया, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्यों किए, क्योंकि ये 7,000 का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि बस सिर्फ 5,000 हमको दिख रहा था, उससे पता चलता 7,000 का और रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर हो गया, यस सर। और हम लोग का ये इनकम है, इनकम है, इनकम हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट नेचर का है, क्योंकि ये मेरा मेन काम नहीं है, इनडायरेक्ट वाला खर्चा है, इनकम कहाँ जाता है प्रॉफिट और लॉस, डायरेक्ट वाला तो कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इस इनकम, ये जो इनकम है ये कहाँ जाता है प्रॉफिट है, इसके लिए हम लोग एंट्री इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस, तभी तो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, तो जाएगा कैसे, ऐसे दो दिन से थोड़ी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री तो करना पड़ेगा ना, अकाउंट में तो एंट्री के थ्रू हम लोग जाते हैं, तो एंट्री से क्या करेंगे, अब जो इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको भेजने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ ही पुराना वाला जो इंटरेस्ट मेरा दिख रहा है, पुराना वाला कौन सा, यहाँ पे 5,000 इसको भी तो भेजना होगा, भेजना होगा ना, यदि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं पहुंचेगा क्योंकि भेजेंगे तब तो पहुंचेगा, क्लियर है, अकाउंट से बिना एंट्री किए कोई दूसरे अकाउंट में नहीं जाता, उसको एंट्री करना पड़ता है ना, तो हम एंट्री इसका भी पहले वाला भी 5,000 का करना है आपको, तो एक साल भी कर सकते हैं ना, तो या तो एक ही साल में क्या करते हैं इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट 12,000 तो प्रॉफिट लॉस 12,000, और अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो 7,000 ये और 5,000 का एक बार और एंट्री यही वाला करना होगा, क्योंकि ये क्रेडिट पड़ा हुआ है इसको भी हम कैसे करेंगे डेबिट करके, सेम एंट्री करना पड़ेगा ना, बस क्या होगा ना अलग, तो अगर एक और एंट्री करना चाहते हैं तो क्या करेंगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कौन सा है ये वाला 5,000 ये बचा हुआ है ना, कितना 5,000, और इसको भी क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 5,000, और अगर हम एक ही में करना चाहते तो ज्यादा अच्छा था, वो एक ही बार में हो जाता तो क्या एंट्री करते इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना कर देते एक ही बार में, तो ये एंट्री नहीं करना पड़ता हमको, सिर्फ एक ही बार में क्या करते थे 12,000 और
क्लियर हो गया। अब देखिए यही चीज अब हम लोग को दिखा देते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,00,000 पहले वाला 5,00,000 में भेज यहां पे भेजिए कब गया है इधर से नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं देखिए सबको भेजने वाला क्लोज हो जाता है वो अकाउंट खत्म तो उसको हम लोग भेज रहे हैं तो वो 5,00,000 वाला है और अभी हम किसको भेज रहे 7,00,000 और भेजे थे उसका नाम हम यहाँ क्या लिख दिया अक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है ना। क्लियर है अक्रूड इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट किसके कारण है अक्रूड के कारण ना अक्रूड इंटरेस्ट ठीक है। ऐसे हम जानते हैं कि ये असल में है क्या वाला इंटरेस्ट है इस साल का। क्लियर हो गया टोटल इंटरेस्ट है 5,00,000 रिकॉर्ड कर लिए थे उसको भेजे और फिर 7,00,000 को भेजे या दोनों को हिसाब भेज दिए तो 12,000 आ गया। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पहले से 1,00,000 है और देखिए 1,00,000 है और फिर हम लोग क्या किए 7,00,000 को अभी भेजे भेजे मतलब इसके लिए कोई एंट्री नहीं है बैलेंस शीट में भेजने के लिए कोई एंट्री नहीं होता है ना। वो तो क्या होता है बस जो भी है आपका एसेट लायबिलिटी कैपिटल उसको दिखा दीजिए आप वो तो सीधे दिखाते हैं हम लोग। यस सर इसको इसको खत्म नहीं करते क्यों क्योंकि ये तो मेरा एसेट है ना खत्म करने की तो एंट्री खत्म हो जाएगा फिर है ना वो अकाउंट ही खत्म हो जाएगा जबकि ये तो मिला नहीं है ना आपको। यस सर क्लियर हो गया। ठीक है तो हम लोग क्या किए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा दिए। अब इसके भी आगे क्या हो सकते हैं मान लेते अगले साल हमको क्या हुआ मिल गया अगले साल हमको मिल गया तो इसको अब खत्म करना पड़ेगा ना क्योंकि अब तो मेरा अक्रूड नहीं रहा होगा अब क्या आ गया पैसा आ गया उसके मन में तो कैश या बैंक क्या हो जाएगा डेबिट और टू टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन तो ये खत्म हो गया डेबिट था क्रेडिट हो के खत्म। तो इसके भी आगे का एंट्री जब नेक्स्ट ईयर अगर ये मिल जाए अभी तक हमने क्वेश्चन में बस एक एक बोला गया इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं ये क्या हो गया रिसीव नेक्स्ट ईयर रिसीव तो एंट्री क्या होगा देन उस समय हम लोग क्या एंट्री करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते हैं बैंक में मिल गया टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है 7,00,000 तो यहाँ देखिए 7,00,000 क्या हुआ डेबिट और 7,00,000 हो गया क्या क्रेडिट तो खत्म हो गया। yes, और उसके बदले मेरा एसेट अभी भी चला एसेट अभी भी है क्योंकि वो पैसा कहाँ आ गया बैंक में और बैंक एसेट है कि नहीं हम लोग का हम लोग को एक ही बैंक अकाउंट में डाला गया पैसा तो एसेट हो गया हमारा क्लियर हो गया। yes, ठीक है क्लियर है सबको। फिर से रिवीजन में सुन लीजिए सिंपल अक्रूड इनकम क्या होता है जो हमको इनकम मिलना था लेकिन मिला नहीं है तो नहीं मिला है मतलब मिलेगा ना आपको तो हम लोग उसको अपना एसेट मानेंगे कि नहीं एसेट तो इसीलिए हम लोग देखिए अक्रूड कितना है जब कैलकुलेशन किए तो पता चला 12,000 मिला था मिला मिला कितना है 5 तो बाकी कितना है 7 मिलना है हमको तो मिलना है इसलिए मेरा वो क्या हुआ एसेट एसेट और एसेट क्या होता है डेबिट तो डेबिट होता है इसीलिए क्या हुआ अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है एसेट होता है डेबिट तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है इनकम इनकम क्या होता है क्रेडिट क्रेडिट होता है ना क्रेडिट करके डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स तो ये हो गया क्रेडिट और क्रेडिट के ठीक है मेरा इनकम है इनकम इनडायरेक्ट नेचर का है इनडायरेक्ट है ना इनकम होगा तो नहीं है तो ये कहां जाता है प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट चीज है। अब इसको हम लोग खत्म करते हैं खत्म कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं ये 5,00,000 और 7,00,000 को एक बार में डाल देंगे हम लोग या अलग अलग जैसा बताएं और फिर शो किए हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखिए सीधे यहाँ देखिए 12,000 आ गया मेरा इनकम जो हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ 12,000 वही दिख रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक साल का इनकम है और बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी 1,00,000 का है वैसे तो नहीं है पूरा 1,00,000 है और मेरा अक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना है 7,00,000 ठीक है क्यों क्योंकि ये मिला तो दिख रहा है आपने फिर हम लोग इससे भी आगे चले गए कि अगर मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर मिल जाता है या कुछ और कभी और मिलता है तो जब भी मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे पैसा आ गया ना। yes, तो ये अगर ऐसे